दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका हमारी स्वास्थ्य विषयक श्रृंखला हेल्थ केयर में। आज हम एक अत्यंत रोचक और बहुत ही कॉमन विषय पर चर्चा कर रहे हैं, नवजात शिशु में पाए जाने वाला पीलिया, इसे नियोनेटल जॉन्डिस भी कहते हैं। और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है शहर के युवा बाल रोग चिकित्सक डॉक्टर ऋषिकेश घाटोल। सर, हमने देखा कि जिस तरह आपने बताया कि ये जो पीलिया होता है बच्चों में, ये इतना सामान्य होता है कि इसे हम फिजियोलॉजिकल कहते हैं। हालांकि पीलिया तो अपने आप में एक बीमारी का शब्द है, लेकिन ये इतना कोई बहुत तकलीफ वाला नहीं, इसलिए हम इसे सामान्य या फिजियोलॉजिकल कहते हैं। तो कुछ एक कंडीशन ऐसी भी हो सकती हैं कि जो उसे हम पैथोलॉजिकल या असामान्य मानते हैं, तो ऐसी कौन सी कंडीशन है? डेफिनेटली सर, ऐसी बहुत सारी कंडीशन रहती है कि जहाँ पर ये पीलिया पैथोलॉजिकल या जिसे हम आगे चल के जो डेंजर कॉज कर सकता है या बच्चे की जान को जो धोखा पहुँचा सकता है, जिसे हम पैथोलॉजिकल पीलिया कह सकते हैं। सर, ये कंडीशंस बच्चे को जो पीलिया कॉज करती है, जिसे पैथोलॉजिकल जॉन्डिस बोलते हैं, ये बच्चे के एज के हिसाब से वेरी करती है। जैसे पहले 24 घंटे में जो कंडीशंस कॉज करती है, जैसे एबीओ और आरएच ग्रुप इनकॉम्पेटिबिलिटी जिसे हम बोलते हैं, जैसे मम्मी का ब्लड ग्रुप अगर निगेटिव है और बच्चे का ब्लड ग्रुप अगर आरएच पॉजिटिव है, और दूसरी चीज़ रह सकती है कि मम्मी का ब्लड ग्रुप अगर ओ है और बच्चे का ब्लड ग्रुप अगर ए नहीं तो बी है, तो ऐसे तरफ से सिचुएशंस में ये बहुत कॉमन बात हो जाती है कि बच्चे का खून ज़्यादा डिस्ट्रक्ट होके पीलिया ज़्यादा तौर तक बढ़ने लगे। और दूसरी चीज़ इसमें ये भी हो सकती है, कुछ खून से संबंधित जो बीमारियाँ रहती है, जैसे कि हेरिडेटरी स्पेरोसाइटोसिस, ने तो हम G6PD डिफिशेंसी जिसे कहते हैं, ऐसी कंडीशंस में भी खून का ज़्यादा तौर तक डिस्ट्रक्शन होना और पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होना ये नॉर्मल बात रहती है। और बच्चे को अगर इसके साथ में भी कोई जन्म के वक्त में अगर कोई इंजुरी होती है, जिसे हम सिकल होमाटोमा कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, उस बच्चों में भी ये नॉर्मली ज़्यादा तौर तक पैथोलॉजिकल जॉन्डिस पाया जा सकता है। तो जिस बात को हम समझे कि अगर वो जॉन्डिस पैथोलॉजिकल या पहले दिन दिखाई दे रहा है या लेवल उसका बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ऐसे समय में पालकों ने अपने घर पर शांति से नहीं बैठना चाहिए, बल्कि विशेषज्ञ को, एक्सपर्ट को दिखाना चाहिए। निश्चित तौर पर जैसे आप बता रहे हैं कि ये जो फिजियोलॉजिकल होता है सामान्य जॉन्डिस से, उसका कोई दुष्परिणाम नहीं होते, अपने आप वो पीरियड होने के बाद में ख़त्म हो जाता है। और पैथोलॉजिकल से बच्चे की जान को धोखा हो सकता है या आगे जाके कोई तकलीफ हो सकती है, कौन सी तकलीफ हो सकती है? अगर ये पैथोलॉजिकल जॉन्डिस जिसकी हम बात कर रहे थे कि जिसमें बिलीरुबिन की मात्रा ज़्यादा तौर तक बढ़ जाती है, अगर ये बिलीरुबिन अगर ब्रेन को भी नुकसान पहुँचा सकता है, जिसे हम ब्लड ब्रेन बैरियर कहते हैं, कि बिलीरुबिन अगर खून से अगर दिमाग तक पहुंच गया, तो एक कर्निक टेरस नाम की बीमारी होती है, जिसके कर्निक टेरस होने के कारण अगर शुरुआत में बच्चा अगर ज़्यादा चिड़चिड़ करना, दूध कम लेना, सुस्त पड़ना, ये कर्निक टेरस के शुरुआती लक्षण पाए जाते हैं बच्चों में। और ये आगे चलकर बच्चों में धनुष्यकार आकृति भी बच्चों में आती है, और बच्चों में आगे चलकर ये एक गंभीर बीमारी का स्वरूप धारण कर सकता है और बच्चे की एक जान को भी खतरा हो सकता है। और इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज जिसे हम बोलते हैं, कि अगर कर्निक टेरस एक बार ब्रेन को डैमेज कर देता है, तो उसके बाद में बच्चों में झटकों की बीमारी आना, बच्चे को कम सुनाई देना और मतिबंधता, लूलापन, ये सब प्रॉब्लम्स बच्चों में बाद में आते हैं। मित्रों, एक बहुत ही गंभीर मुद्दे की ओर डॉक्टर ऋषिकेश ने इशारा किया है कि जिस पीलिया की हम चर्चा कर रहे हैं, ये पीलिया खून से संबंधित है, खून में विद्यमान बिलीरुबिन नाम के पदार्थ से। अब चूंकि ये पीलापन खून में बढ़ रहा है, इसलिए ये पीला खून है ये पूरे शरीर में दौड़ रहा है, और इससे जो सबसे ज़्यादा खतरा होता है, हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण जो अंग अवयव है वह है ब्रेन, हमारा मस्तिष्क। बड़ों में बच्चों में ये फर्क होता है कि मस्तिष्क के आसपास की जो कवरिंग होती है बच्चों में बहुत ही पतली और थिन होती है, तो खून का ये पीलापन कभी भी इस सीमा को पार कर ब्रेन तक पहुंच सकता है। और यहीं से खतरा शुरू होता है कि ब्रेन के जिस भाग को ये पीला करता है, वह भाग हमेशा के लिए पीला हो जाता है, वहाँ का काम हमेशा के लिए बंद हो जाता है। अब जहाँ ये काम बंद हुआ, तो और अगर पीलापन उसी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि बच्चा शायद और ज़्यादा आगे दुनिया नहीं देखे, उसकी मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है। और अगर बच भी जाए, तो उसमें जैसे डॉक्टर ऋषिकेश ने कहा कि उसके मतिमंद से होने से लेकर, हाथ पांव में लूलेपन से लेकर, कड़कपने से लेकर, झटकों की बीमारी से लेकर,
सुनाई देने से लेके हर तरह के उसमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इसीलिए एक्सपर्ट के विशेषज्ञों की सलाह होती है कि इस अवस्था में जो कुछ ट्रीटमेंट होता है, उपाय होता है, वह लेवल बढ़ने से पहले, कि एक बार अगर ये लेवल बढ़ जाता है और ये ब्रेन तक पहुंच गया है तो बाद में इसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी सभी पालकों से अपील है कि अगर ये पीलापन दिख रहा है, कहीं से आपको ये लग रहा है कि पहले से बड़ा है, या डॉक्टर साहब ने जिस लक्षणों की चर्चा की कि बच्चे ने दूध पीना बंद कर दिया है, या दूध बाहर निकाल रहा है, सुस्त दिख लग रहा है आपको, या झटके शुरू है, कृपया घर में नहीं बैठें और तुरंत अपने बाल रोग चिकित्सक या एक्सपर्ट से कॉन्टेक्ट कीजिए। क्योंकि फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर ये लिमिट के बाहर हो गया तो न केवल बच्चे की ज़िंदगी को खतरा है, बल्कि बच जाए तो आगे की जो अच्छी ज़िंदगी हो सकती उसको खतरा है। सर, तो जिस गंभीर लक्षणों की आपने चर्चा की, तो कोई भी पालक नहीं चाहेगा कि हमारा बच्चा उस हालत में पहुंचे। तो जब हम जिस बात की चर्चा करें, अगर पीलापन मान लो कि बढ़ रहा है और कहीं से ऐसा लग रहा है कि शायद वो सामान्य या फिजियोलॉजिकल नहीं है, तो उस पर ट्रीटमेंट के तौर पे आपकी क्या सलाह होती है? अगर पीलापन अगर बढ़ रहा है और इसकी हम आपने आपके अगर बाल रोग चिकित्सक ने अगर जांच की है कि ये पैथोलॉजिकल है, तो इसमें हम सबसे पहला उपाय रहता है कि बच्चे को हम एक नीले लाइट के अंदर रखते हैं, जिसे हम फोटोथेरेपी कहते हैं। और ये फोटोथेरेपी द्वारा बिलीरुबिन नाम का जो सब्सटेंस रहता है वो मल और मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाता है और उससे पीलापन पीलेपन की मात्रा धीरे धीरे कम होती है। तो जो नीला लाइट होता है, जिसके कारण से आप कह रहे हैं कि वो अंदर का बिलीरुबिन टूट के बाहर निकलता है, तो ये घर में संभव है क्या? नहीं सर, ये घर में संभव नहीं, क्योंकि ये हम एक वार्मर्स जिसे कहते हैं, ये NICU केयर जिसे हम कहते हैं, क्योंकि नवजात बच्चों का अति दक्षता विभाग, इनमें ही ये प्रक्रिया संभव है, जिसमें हम वार्मर्स के ऊपर नीले लाइट लगाते हैं और उसको ही हम शुरू करके फिर धीरे धीरे हम रेगुलर मॉनिटरिंग द्वारा हम वेट करते हैं कि बिलीरुबिन की मात्रा कम हो जाए और पीलेपन की मात्रा कम हो जाए। और ये घर में इसलिए भी संभव नहीं है क्योंकि इसके कुछ जो दुष्परिणाम नहीं कह सकते हम इसको, कि कुछ जिसको हम लक्षण आते हैं कि मॉनिटरिंग करनी पड़ सकती है, कि अगर बच्चा फोटोथेरेपी के अंदर है तो कुछ लक्षणों की हमें मॉनिटरिंग भी करनी पड़ती है, जिनमें रह सकता है कि बच्चों को अगर रैश भी आ सकती है या बच्चे को पतली संडास रह सकती है, और नहीं तो तांबे कलर की अगर रैश बच्चे के ऊपर आ सकती है। तो ये सब लक्षणों की मॉनिटरिंग के लिए आपके बाल रोग चिकित्सक की ही जरूरत पड़ेगी, और इसके लिए ये फोटोथेरेपी का उपचार घर पे अवश्यता संभव नहीं। तो और दूसरी बात कि पीलेपन की भी जो मात्रा बढ़ रही है, घट रही है, उतनी है, तो बाल रोग चिकित्सक ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे बजाय घर पे। निश्चित से नहीं, प्रश्न का दर्शकों, इस प्रश्न का जो हमारा पूछने का उद्देश्य यही था कि बहुत बार यह प्रश्न पालक हमसे पूछते हैं कि यह लाइट क्या हम घर पर नहीं लगा सकते हैं, या घर पर हम जो बल्ब लगा रहे हैं उसके ऊपर कोई नीली पन्नी या पत्री लगा के हम ये लाइट नहीं दे सकते हैं? तो डॉक्टर ऋषिकेश ने इसका स्पष्ट उत्तर नहीं कहा है कि जो लाइट होते हैं, इनकी जो फ्रिक्वेंसी वेवलेंथ होती है, विशेष तरह की होती है, जो शरीर के लिए हानिकारक भी नहीं होते, लेकिन बिलीरुबिन नाम का जो पदार्थ शरीर में बढ़ रहा है उसे तोड़ने में मदद करता है, जो घर पर किसी भी तरह के लाइट से संभव नहीं है। मान लीजिए अगर ये फोटोथेरेपी के बाद में भी रक्त टूटने की प्रक्रिया ज़्यादा चल रही है और फोटोथेरेपी से कंट्रोल नहीं हो पा रही है, और जैसा आपने बताया कि हम उसे NICU में रखते हैं, उसकी मॉनिटरिंग लगातार चल रही है और हम देख रहे हैं कि बिलीरुबिन बढ़ा जा रहा है, इस कंडीशन में फिर आपकी सलाह क्या होती है? ऐसा सर बहुत बार होता है कि बच्चों में हम पीलिया अगर है और उसको हम फोटोथेरेपी अगर शुरू करते हैं, जैसे लाइट के अंदर भी रखते हैं, तो भी अगर बिलीरुबिन की मात्रा धीरे धीरे और बढ़ती जाती है, और ये चांस अगर कम वजन का बच्चा है और बच्चे को अगर ऑक्सीजन की जन्म के वक्त में और कमी पड़ गई है, नहीं तो जिनकी अगर मदर जिसको मम्मी जिनको डायबिटीज़ है या हाइपोथायरॉयड जिनको थायराइड की बीमारी है, ऐसे बच्चों में पीलिया का प्रमाण और ज़्यादा मात्रा में बढ़ने की संभावना रहती है।
और ये अगर फोटोथेरेपी के द्वारा अगर कम नहीं होता तो हम बाद में बच्चे का रक्त बदली करते हैं जिसको हम एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। और ये एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन में हम जिसे बच्चों की अम्लीकस या नाड़ी कहते हैं उसमें वेंस और आर्टरीज रहती है, तो जिसमें ये छोटी नाड़ी जिसे हम बोल सकते हैं, और छोटी नाड़ी को हम कट करके उसमें से पीला ब्लड हम बाहर निकालते हैं और उसको नॉर्मल रक्त से बदली करते हैं। और ये होने के बाद में बच्चे की बिलिरुबिन की मात्रा और पीलिया की मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है। ये पूरी प्रोसेस एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन जिसे बोल रहे हैं, ये विशेषज्ञ के हाथ में ही सुरक्षित है, ऐसा मेरा मानना है। मैं तो बहुत ही उपयोगी प्रक्रिया जिसे एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन कहा गया है। गौर कीजिए कि ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं है, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन है। दोनों प्रक्रिया फर्क यह है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में सिर्फ ब्लड दिया जाता है, और यहाँ पर जो एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन हो रहा है इसको एक्सचेंज किया जा रहा है, बच्चे के पीले ब्लड को निकाल कर दूसरा ब्लड दिया जा रहा है कि हम कोई वस्तु दे रहे हैं उसके बदले में कोई वस्तु ले रहे हैं। डॉक्टर ऋषिकेश जी ने बहुत ही आसान तरीके से इस प्रक्रिया का वर्णन किया है, लेकिन विश्वास मानिए जितनी आसान बताई गई उतनी आसानी प्रक्रिया नहीं है। इसीलिए उन्होंने जोर देके कहा है कि ये प्रक्रिया विशेषज्ञों द्वारा जो इस प्रक्रिया में एक्सपर्ट हैं, जिनको इसके बारे में पूरी जानकारी है, उन्हीं के हाथों में, लेकिन अत्यंत सुरक्षित है। एक छोर पर जहाँ बच्चा मृत्यु के द्वार तक पहुँच गया या इतने कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना थी, वहाँ से उस बच्चे को धीरे धीरे खींच कर वापस ले आएँ और एक पूरी सामान्य नॉर्मल जिंदगी उसे दे रहे हैं। मित्रों, आज एक बहुत ही सार्थक और दिलचस्प चर्चा नियोटल जॉन्डिस यानी नवजात शिशु में होने वाले पीले के संदर्भ में संपन्न हुई। जो कुछ मुख्य मुद्दे उभर कर आए हैं वो इस तरह से है कि यह पीलापन बच्चों में इतना सामान्य रूप से पाया जाता है कि उसे हम बीमारी मानते नहीं बल्कि उसको सामान्य फिजियोलॉजिकल मानते हैं, और इसमें सामान्यतः किसी ट्रीटमेंट या उपचार की जरूरत नहीं होती है। कुछ एक घटनाएं जैसे डॉक्टर ऋषिकेश ने कहा है कि अगर बच्चे को जन्म के समय सांस की ऑक्सीजन की कमी पड़ गई हो, ग्लूकोज की कमी पड़ गई हो, या बच्चा कम उम्र कम वजन का हो, तो इसमें ये जो फिजियोलॉजिकल होता है ये अपनी सीमा पार कर पैथोलॉजिकल हो सकता है, वहाँ पर लाइट की मशीन के चीज रखा जा सकता है, या अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उसका खून बदलना पड़ सकता है, जिसे एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जिस पर इन्होंने जोर दिया वो यह है कि किसी भी सूरत में बच्चे के पीलेपन को पालकों ने हल्के तौर पर नहीं लेना चाहिए। ये इसलिए कि जहाँ पर ये बात कही जा रही है कि बहुत ज़्यादा बच्चों में किसी ट्रीटमेंट या उपचार की ज़रूरत नहीं होती है, कुछ एक दुर्भाग्यशाली बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं कि जहाँ पर ये पीलापन बढ़ के हमारे मस्तिष्क को ब्रेन को डैमेज कर सकता है, और दुर्भाग्य से ये डैमेज हमेशा के लिए परमानेंट होता है। तो उस अवस्था तक नहीं जाए इसके लिए एक्सपर्ट की सलाह और मदद की ज़रूरत होती है। तो बच्चे में अगर पीलापन लग रहा है तो अपने जो एक्सपर्ट है चिकित्सक है उनकी सलाह के हिसाब से उन्हें बार बार दिखाएं, और जिस तरह से वो टेस्ट बता रहे हैं जांच बता रहे हैं उसके साथ पूरा सहकार्य करें। मित्रों, हमारी तौर से हमने पूरी कोशिश की है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको न केवल रोचक बल्कि एक शास्त्र शुद्ध जानकारी आप तक पहुँचे। जिन बीमारियों के जिस विषय को हम लेते हैं सामान्य तौर पर विषय हमारे आसपास में हमारे इर्द गिर्द के होते हैं और हमारे आसपास में किसी न किसी के साथ जुड़े होते हैं। हमारे एक्सपर्ट हमारे व्यस्ततम समय में समय निकालकर इस जानकारी को आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा ये आप ही बताएंगे अपने सुझाव और प्रतिक्रिया के द्वारा। इसके लिए स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर से आप हमसे व्हाट्सएप मैसेज द्वारा या प्रत्यक्ष कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मित्रों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हमारे दर्शकों की उज्जवल भविष्य की शुभकामना करते हैं, और हम मानते हैं कि आपका आने वाला कल आज से अधिक स्वास्थ्यवर्धक और मंगलमय हो। समय अपनी सीमा बता रहा है और कह रहा है कि हमें अब आपसे विदा लेने की घड़ी आ गई है। इस आश्वासन के साथ कि अगले हफ्ते एक नए विषय पर एक नए एक्सपर्ट के साथ आपसे फिर भेंट होगी, और डॉक्टर ऋषिकेश जी एक बहुत ही अनूठे विषय पर जितना रोचक और आसान तरीके से आपने हमारे दर्शकों का जो मार्गदर्शन किया है उसके लिए हम हृदय से आपके आभारी हैं। धन्यवाद। नमस्कार।